हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरसात के दिन थे, मुझे एक शहर में किसी काम से ज़रूरी जाना था। ऑफिस के बहुत ज़रूरी कागजात वहाँ पहुँचाने थे, इसीलिए मैं वहाँ ट्रेन से पहुँचा। पहुँचते पहुँचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफिस के कागजात हिफाजत के साथ ऑफिस के बॉस तक पहुँचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और एक समोसा खाया। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वापस जाने की ट्रेन रात 3 बजे की थी। मैंने सोचा यहाँ रुककर समय क्यों बर्बाद करना। मैं बस स्टॉप जाकर देखता हूँ कि शायद कोई बस मिल जाए। बस स्टॉप पहुंचा तो उन्होंने कहा कि रात 11 बजे की बस है। मैंने सोचा कि 3 बजे की ट्रेन से 11 बजे की बस तो ठीक ही है। इसी आपादाही में शाम के 7:30 बज गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर पर मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा। मैं वहां पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियां ही मंगाई। बरसात में ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं था। ऊपर से मुझे बस में सफर करना था तो मैंने हल्का भोजन ही लिया। खाना खाते खाते 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने रेस्टोरेंट का बिल अदा किया और एक पानी की बोतल खरीद कर जैसे ही मैं बाहर आया तो बहुत जोर की बरसात शुरू हो गई थी। मैं रेनकोट लेकर चला था, इसीलिए बैग में से मैंने रेनकोट निकाल कर पहन लिया और बरसात से बचते बचाते बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन मैंने तब गौर किया, रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहां की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने अपने मोबाइल फोन की लाइट जला ली। फिर लगा ना जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो इसीलिए मैंने फोन ऑफ कर लिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बहुत जोरों की बरसात थी और मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान का भला हो कुछ ही देर में लाइट आ गई। लाइट आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं अब वेटिंग रूम के बेंच पर लेट गया। उस पर बहुत धूल थी, लेकिन मैंने उसे अपने बैग में रखे न्यूज़पेपर से झाड़ दिया था और आंखें बंद करके यूं ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। फिर कुछ देर बाद पायल की घुंघरों की छम छम से मेरी नींद टूटी और मैं जाग उठा। मैं वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखने लगा तो एक लड़की सफेद साड़ी में आई थी। उसने छतरी ले रखी थी। पहले उसने अपनी गीली छतरी को एक कोने में रखा और अपने गीले बालों से पानी छटकाने लगी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी जो कि बिल्कुल गीली हो चुकी थी। साथ में उसने स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था जिससे उसकी गोरी बाजू एकदम आकर्षण लग रही थी। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होंठों पर लगी सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी।
उसका बदन, पतली कमर चहक रही थी और साड़ी गीली होने पर पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसका बदन साड़ी से बाहर झांक रहा था। वो अपने बालों से जब पानी झटक चुकी थी तो मुझसे बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आपको कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा, जी जरूर। और वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। अब भी उसका ध्यान उसकी गीली साड़ी पर था और मेरा उस पर। हम मर्दों की आदत ही होती है कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर नजर गड़ा लेते हैं। और कसूर मेरा नहीं था, वो थी ही इतनी खूबसूरत, मैं भला उस पर से अपनी नजर कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में फिर से लाइट चली गई। वेटिंग रूम के भीतर खूब अंधेरा छा गया था, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो मेरे बगल में बैठी थी, एकाएक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं थोड़ा सहम गया था। मैंने सोचा, ना जान ना पहचान, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो अपने हाथ को मेरे सीने पर फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच गया था। जब बात इतनी बढ़ गई तो मैंने उसे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बता दीजिए अपना। मैं पिशाचनी हूँ। मैंने इतना सुना तो उसका हाथ झटक कर दूर भाग गया और फौरन ही अपने मोबाइल की लाइट जला ली। रोशनी में देखा तो सच में वो खूबसूरत लड़की अब पिशाचनी में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल और दांत बड़े बड़े थे, और जिन होठों की खूबसूरती पर मैं मर मिटा था, अब उन पर खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा, और तभी लाइट आई और वो पिशाचनी गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेंच पर लेटा हुआ हूँ और वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तब मेरी जान में जान आई, मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था, तो मैंने बोतल खोलकर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप का एक कर्मचारी आया और बोला, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी इसीलिए यहाँ आकर आराम करने लगा। लेकिन अब ये वेटिंग रूम नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैंने तो यहाँ की लाइट चलती देखी, इसीलिए उसको बंद करने चले आया। ओ, तो मैं गलत जगह आ गया था। हाँ साहब, इस रूम में पिशाचनी आती है और लोगों का गला दबाती है। अब ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैंने मन में सोचना शुरू किया, तो क्या मेरे सपने में मैंने वही पिशाचनी देखी थी? और फिर मैं उस पुराने वेटिंग रूम में अपना सामान उठाकर बाहर आने लगा। तभी वो कर्मचारी बोला, साहब अपना छाता तो उठा लीजिए, इसे तो आप यहीं भूले जा रहे हैं। अब तो मैं बिल्कुल सन था और मुझे होश ही नहीं था। उसकी छतरी वेटिंग रूम में कैसे आई? क्या वो सच में यहाँ आई थी? अब भी जब कभी मुझे बरसात की वो रात याद आती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।